श्री राम के चरणों में भरत की प्रीति किसी से छिपी नहीं है। फिर भी राजा जनक अपनी रानी सुनैना से भरत के गुणों का बखान करते हैं। रानी की मनोदशा भांप कर राजा जनक भी यही चाहते हैं कि भरत श्री राम के साथ वन में रहें और लक्ष्मण अयोध्या लौट जाएं, क्योंकि भरत ने स्वार्थ तथा निजी सुखों की ओर स्वप्न में भी नहीं ताका है। उधर श्री राम के मन में ये विचार आता है कि मिथिलापति जनक अयोध्यावासियों तथा माताओं को चित्रकूट में वन प्रवास के कष्ट सहते कई दिन बीत गए हैं। वो कुल गुरु वशिष्ठ से निवेदन करते हैं कि अब वे जो उचित समझें आदेश दें। निर्वधि गुण निरुपम पुरुष भरत भरत समझान, कहिय सुमेरु किसेर सम, कवि कुल मति सकुचान। आगम सबही बरनत बर बर जलहीन मीन गमुधरनी, भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानही राम न सकही बखानी। सप्रेम भरत अनुभाव, तिय जिय की रुचि लखी कहराव, बहु रही लखन भरत बन जाही, सब कर भल सबके मन माही। देवी परन तू भरत रघुबर की, प्रीति प्रतीति जाई नहीं तर की, भरत अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपने हूँ मन हुने हार, साधन सिद्धि राम पगने हूँ, मोहि लखी परत भरत मत एहू। मन सहु राम रजाई, करिय न सोचु स्नेह बस, कहे भूप बिल खाई। राम भरत गुण गनत सपीति, निस
किसी दंपति पलक संबीती राज समाज प्रात जुग जागे नाई नाई सुर पूजन लागे नहाई गुर पही रघुराई बंद चरण बोले रुख पाई नाथ भरत पुर जन महतारी शोक विकल बनवास दुखारी सहित समाज राव मिथिले सु बहुत दिवस भय सहत कलेसु उचित होई सोई की जियना था हित सब ही कर रोरे अस कही अति सकुचे रघुराउ मुनि पुल के लखिसीलु सुभाउ तुम बिनु राम सकल सुख साजा नरक सरिस दुहराज समाजा सुख के सुख राम तुम तजितात सुहात ग्रह जिन्हीं तिन्हीं विधिवान सो सुख करम धर्म जरी जाऊ जहन राम पद पंकज भाऊ जोग कुजोग ज्ञानु अज्ञानु जहन ही राम प्रेम पर सुखी तुम ते ही तुम जानहु जिय जो जेहि के राउर आयसु सिर सब ही के विदित कृपाल ही गति सब नीके आप आश्रम ही धारिय पाऊ भयउ स्नेह शिथिल मुनिराऊ करि प्रणाम तब राम सिधाए ऋषि धरि धीर जनक पहियाए वचन गुरु नृप ही सुनाए सील स्नेह सुभाय सुहाय महाराज अब कीजिय सोई सब कर धर्म सहित हित हो